कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में पूरे राज्य में 7 दिनों की स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की सरकार ने निर्णय ली है और आज उसका दूसरा दिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की प्रयास करूँगी। आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा है, शाम का वक्त है, ये काफ़ी चहल पहल रहने वाला समय होता है, लेकिन सड़कों पर लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की प्रयास ज़रूर करूंगी। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनमें अवेयरनेस की कमी अभी भी दिखाई दे रही है, वो बिना मास्क के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, बाकी सभी दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। कैमरे की नज़र से ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। सामने दवाई दुकान है वो भी खुला हुआ है, ग्रॉसरी दुकान है वो भी खुला हुआ है और लोग दुकान में सामग्री ले रहे हैं, लेकिन सड़कों पर 5 से अधिक जब लोग दिखाई देंगे इस पर कार्रवाई और जुर्माना भी लगेगा। वहीं आप देख सकते हैं सन्नाटापन बयां कर रहा है कि लोग अपनी जन भागीदारी निभा रहे हैं और इस महामारी कोरोना से लड़ने की तैयारी में सभी अपना साथ दे रहे हैं। बहरहाल मिरर मीडिया भी लगातार आपको राजधानी रांची के कोने कोने से रूबरू कराते आया है और आगे सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको जन भागीदारी के साथ एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए सभी को मिलकर इस महामारी कोरोना से लड़ना है। वहीं मिरर मीडिया भी आपसे यही अपील करते रहा है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो चेहरे को ढक कर रखें, सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन सख्ती से करें और बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर करें। सहयोगी जयंत कुमार के साथ रंजना कुमारी, मिरर मीडिया, रांची।